पूरी खबर पर हम बने हुए हैं। लाल आतंक का कहर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से लाल आतंक का कहर देखने को मिला है और इस पूरी खबर पर हम अपडेट्स भी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले खबर मिली कि 20 जवान शहीद हुए हैं और अभी अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया ब्रीफिंग में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि हम शहीद जवानों के बलिदान को नमन करते हैं और दोनों तरफ से नुकसान हुआ है, उनके बलिदान को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। नक्सली हमला नक्सलियों की बौखलाहट बताता है जो अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि हमारी रणनीति यही है कि हम छत्तीसगढ़ के बस्तर को, पूरे छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाएंगे और ये हमला उनकी आखिरी अस्तित्व की लिए वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये उनकी कायरता उनकी बौखलाहट को दिखाता है। मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा एक बार फिर से सुनाते हैं आपको। हमारे जवान शहीद हुए हैं, वहीं नक्सलियों के भी छक्का छुड़ाने का काम हमारे जवानों ने किया है और बहुत बड़ी क्षति नक्सलियों का हुआ है। मुझे जो जानकारी मिली, चार ट्रैक्टर में मंगाए थे जिसमें वो घायल और जो उनकी मृत्यु हुई उनको ले जाने के लिए, तो नुकसान दोनों तरफ से हुआ है और हमारे जो जवान जो लड़ते लड़ते शहीद हुए उनको नमन करता हूँ, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। ये लड़ाई रुकेगी नहीं, ये नक्सली अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। अमित शाह जी का फ़ोन आया था, उनसे भी बात हुई गृह मंत्री जी से और उन्होंने कहा कि जो CRPF के DG है वो निकल गए हैं, वो आ रहे हैं छत्तीसगढ़। बुरी तरह से सुकमा बीजापुर का जो इलाका है उसमें बहुत सिमट के रह गए हैं, हमने बहुत सारे एरिया उनसे छुड़ा लिया है। ये उनकी बखलाहट है, लगातार कैंप लगते जा रहा है और उसके जो मान में है वो कैंप हम लोग इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, इस कारण से बखलाहट उनकी है। मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, उन्होंने श्रद्धांजलि दी है सभी दिवंगत हमारे जो शहीद हैं, जो जवान जो शहीद हो गए हैं, शहादत की जो खबर मिली है। दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी कोशिश यही है, हम सरकार हमारी इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है कि पूरे समूचे छत्तीसगढ़ को हमें नक्सल मुक्त बनाना है। बड़ा सवाल एक ये भी खड़ा होता है कि अधिकारियों को इस बात की जानकारी थी, खबरें ये भी मिली है कि जो नक्सली हमला हुआ है इस पूरे मामले में कई अधिकारियों को जानकारी थी कि एक बड़ा हमला हो सकता है, इस बात का अंदेशा था। उसके बाद फिर इनपुट्स में कहां चूक हो गई, क्योंकि बीजापुर सुकमा जिले का सरहदी इलाका है। चलिए हम रुक करेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अमित जी बहुत दुखद पहलू है, नक्सली हमले में अब 20 जवान हमारे शहीद हो गए, कहां चूक हो गई सर? जी देखिए, चूक की विषय नहीं है ये, मैं आपको बता दूं कि इनपुट की नक्सलियों का एक बड़ा वर्ग वहां पर कई दिनों से देखा जा रहा था, तो एक रणनीति बना के और करीब 2000 जवानों को उसमें अलग अलग उसमें भेजा गया था, लेकिन एक टुकड़ी घात लगाकर एम्बुस लगाकर जिस प्रकार से ये कायराना हरकत इन्होंने किया है इसका माकूल जवाब दिया जाएगा, करारा जवाब दिया जाएगा। और जैसा मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि सबसे पहले तो मैं आपके एक माध्यम से उन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और जो घायल है उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ ईश्वर से। और मैं आपको एक बता दूं, बात एक कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से लगातार अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है सरकार द्वारा हमारी, और जिस प्रकार से फोर्सेस अंदर तक घुस गई हैं, नक्सली बौखलाए हुए हैं इसीलिए बार बार ये कायराना हरकत कर रहे हैं। लेकिन आप एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वास्थ्य के माध्यम से हो, चाहे उनकी मूलभूत सुविधाएं उनको देने की बात हो, सारी चीजों में सरकार छत्तीसगढ़ सरकार अच्छा कार्य कर रही है। और लगातार आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री जी का जो फोकस रहा है वो आदिवासियों और किसान भाइयों को लेकर रहा है, चाहे उनके स्वास्थ्य का विषय हो, उनकी शिक्षा का विषय हो, और विकास लगातार जिस प्रकार से कई सालों से वहां पर जो रोडे नहीं बन पा रही थी फोर्सेस की मदद से वो रोडे बनाई जा रही हैं, और लगातार आप देख रहे हैं कि बस्तर जो है उसको चौमुखी विकास वहां पर जो हो रहा है नक्सली, और जिस प्रकार से लोग वहां पर हमारे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि उनके ही द्वारा चुनी हुई और उनके ही द्वारा जो कार्य होना चाहिए वैसी कार्य करने वाली सरकार इस प्रदेश में आ गई है, तो लगातार वो हमारे साथ वहां के लोग खड़े हुए हैं। और जल जंगल जमीन के असली हकदार को अगर हक दिलाने के लिए हम ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, लाल आतंक को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मुझे ऐसा लगता है कि अब वो अंतिम समय आ गया है जब हम इनको माकूल जवाब देने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो दिन दूर नहीं जब हम बस्तर को नक्सल मुक्त कर पाएंगे।
बिल्कुल सर, हमारी भी यही कोशिश है अमित जी कि जल्द ही छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो। आए दिन जो इस तरह की खबरें आती है वो काफी हमें पीड़ा भी पहुंचाती है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी, फोनलाइन पर जुड़े कांग्रेस प्रवक्ता हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अभी हो सकता है कि ये संख्या और भी बढ़े, क्योंकि जो ये नया वीडियो आया है इसमें 20 जवानों के शहीद होने की खबर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी भी कई जवान लापता हैं, उनकी कोई जानकारी अभी तक मिल नहीं पाई है। तो कहां पर है वो जवान? उम्मीद करते हैं कि वो जहां भी होंगे घने जंगल में वो सुरक्षित होंगे। अभी इनपुट्स ठीक से मिल नहीं पा रहे हैं। और इधर दूसरी तरफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। सीआरपीएफ के डीजी छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है।